अच्छा क्वेश्चन इज आईपैड राइट शॉर्ट नोट ऑन नोडल मस्कुलेचर. तो नोडल मस्कुलेचर क्या है और उसके ऊपर शॉर्ट नोट आएगा. तो ये इसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे ये देखें. तो नोडल मस्कुलेचर एक ऐसा टिश्यू है हार्ट को बीट करने के लिए. कौन कहता है, क्या ब्रेन हार्ट को बीट कराता है या कोई उसे बाहर से कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल कौन देता है कि हार्ट बीट करना है. पीयूष कौन बताता है हार्ट को कि बीट करना है. ब्रेन. तो ब्रेन से रुक जाएगा या ब्रेन का कोई सेंटर है हार्ट का, ऐसा कुछ नहीं है. तो पॉइंट इज दिस, हार्ट अपनी एक्टिविटी खुद करता है, बाकी सब चीज़ें ब्रेन से चलती हैं, पर हार्ट अपनी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन खुद करता है. तो ये कुछ अलग टिश्यू है जो हार्ट को बताता है कि कब बीट करना है कब नहीं करना, और अगर बीटिंग की प्रॉब्लम आए तो वो कैसे सॉल्व होगी. ये सब चीज़ें करता है पेसमेकर ऑफ हार्ट. क्या करता है, पेसमेकर. सुना है नाम पेसमेकर. तो पेसमेकर हार्ट को बताता है कैसे बीट करना है कब बीट करना है. और ये पेसमेकर एक स्पेशल टिश्यू का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं नोडल मस्कुलेचर. क्या बोलते हैं, नोडल मस्कुलेचर. तो नोडल मस्कुलेचर का फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि आंसर ऊपर नीचे है तो इसका फर्स्ट पॉइंट यहाँ है, इसकी डेफिनेशन तुम लिखो. तो फर्स्ट पॉइंट लिख लो, उसके आगे तुम मैं मार्क करा दूंगा. नोडल मस्कुलेचर हैज़ दी एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल यानी नर्व इम्पल्सिस विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई. बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के दे आर एबल टू जनरेट सिग्नल्स. ऑलराइट, सो आई वाज सेइंग नोडल मस्कुलेचर एबिलिटी होती है इसके पास एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने की, यानी नर्व इम्पल्स को चलाने की, यानी हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है. तो विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कोई भी बाहर की चीज़ को देख के नहीं करता, ये खुद ब खुद कर लेता है अपने हार्ट को बीट कराने का. हार्ट के पास खुद ही एक टिश्यू है, खुद का अपना एक ब्रेन है. समझ में आई बात. तो ये इट इज़ आउटो एक्साइटेबल. आउटो माने खुद ही कर रहा है, एक्साइट माने इम्पल्स जनरेट कर रहा है. आउटो एक्साइटेबल, हाउएवर नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड मे वेरी एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नोडल सिस्टम. मतलब कितनी नर्व इम्पल्सिस एक पार्ट में चल रही है हार्ट की, जरूरी नहीं है वो दूसरे में भी उतनी चल रही हो. तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग नर्व इम्पल्सिस का नंबर होगा पर मिनट. ठीक है, तो इसको समझते हैं कि नोडल मस्कुलेचर किन किन चीज़ों का बना हुआ है. तो लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नोडल मस्कुलेचर इज मेड ऑफ, नोडल मस्कुलेचर कंप्राइज ऑफ ठीक है, फर्स्ट इज साइनो एट्रियल नोड. साइनो एट्रियल नोड इज प्रेजेंट इन राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम. तो हमें पता है हार्ट कि ये जो पार्ट्स थे, इस हार्ट के चार चैम्बर्स थे. रिमेंबर, इस चार चैम्बर में से राइट आर्ट्रियम के ऊपर यहाँ पर राइट आर्ट्रियम के अपर हैंड कॉर्नर पे हमें मिलता है SAN, दैट इज साइनो आर्ट्रियल नोड. ठीक है, साइनो आर्ट्रियल नोड से नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट AVN. तो सेकेंड पार्ट इज AVN, फर्स्ट था SAN. SAN कहाँ पे था, राइट अपर हैंड कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम. सेकेंड इज AVN. AVN इज सीन इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम क्लोज टू आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. अभी इसका डायग्राम में दिखाऊंगा, पॉइंट लिख लो फिर डायग्राम बना के दिखाता हूं. AVN इज सीन इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम नियर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. थर्ड पार्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम AVN एंड डिवाइड्स इन टू, यहां से लिखना एंड डिवाइड्स इन टू राइट एंड लेफ्ट बंडल. दीज ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स नोन एज परकिंजी फाइबर्स. तो थर्ड है बंडल ऑफ हिस. थर्ड को क्या बोलना है, बंडल ऑफ हिस. बंडल ऑफ हिस के अंदर
यहाँ ये ग्रीन वाला पार्ट लिखना है, बंडल ऑफ हिज का आंसर है थर्ड पार्ट कॉम्पोनेंट इज बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज की क्या फर्स्ट लाइन आएगी, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम AVN एंड डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल, दीज ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स थ्रू थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर नोन एज परकिनजी फाइबर्स। ये थर्ड पॉइंट में लिखो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा अभी बस लिख रहे हैं, समझाऊंगा जब तुम लिख लोगे कंप्लीट कर लोगे, जल्दी से लिख लो। यस, तो जरा देखें लिख लिया था, अच्छा कहाँ तक लिख लिया था, आट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम AVN विच डिवाइड्स इन टू राइट एंड लेफ्ट बंडल दीज गिव राइज टू, और इस पॉइंट का नाम क्या था, बंडल ऑफ हिज। लिख लिया पीयूष, हेडिंग ये है और ये पॉइंट है, फुल आएंगे तेरे नहीं आएंगे, फुल आएंगे मार्क्स ये कुछ कर, फुल नहीं आएंगे, अच्छा नोटेड ठीक है। अच्छा क्या था ऐसा, वीडियोस यूज आती है तुम्हारे, करते हो वीडियोस यूज कभी पढ़ने में, अच्छा मुझे लगता तो नहीं है, अच्छा तब भी इतने कम नंबर आते हैं। चलो बिकॉज ऑलवेज इन मोशन होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों होते ही रहते हैं, है ना, तो इट नेवर स्टॉप्स, ऑल्दो कंसंट्रेशन लुकता नहीं है कि चेंज हो रही है पर रिएक्शन ऑलवेज कंटिन्यूज। अच्छा तो अब ये है क्या, तो हमने बोला सबसे पहले होता है साइनो आर्ट्रियल नोड SAN, क्या हो गया तू हमेशा लेट आता है, घर वाले मुझे लगता है धक्का मार के निकालते हैं देखो, हाँ तो उठाता कौन है, खुद ही उठा है। अच्छा तो सबसे पहले हमने बोला राइट अपर हैंड कॉर्नर में हमारे पास है साइनो आर्ट्रियल नोड, ये सबसे पहला सिग्नल नर्व इम्पल्स, सबसे पहला मैसेज न्यूरॉन से, ये मैसेज कहाँ से शुरू होता है, SAN से, किससे स्टार्ट होता है, इसीलिए SAN को पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं, अगर ये किसी दिन इसने बीट करना बंद कर दिया, इसने मैसेज देना बंद कर दिया तो हार्ट फेल हो जाएगा, तो पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज साइनो आर्ट्रियल नोड, ठीक है राइट अपर हैंड कॉर्नर में। उसके बाद हमने बोला एक था AVN, सेकेंड पार्ट क्या था, AVN इट इज इन द लोअर एंड ऑफ द राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम के लोअर एंड पे था, नियर द सेप्टम, नियर द सेप्टम, सेप्टम माने वॉल के पास, ठीक है। उसके बाद AV बंडल चलते हैं, उसके बाद हमने बोला था AV बंडल चलता है और AV बंडल डिवाइड हो जाता है इंटू लेफ्ट एंड राइट बंडल, किस में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट और राइट बंडल, और लेफ्ट और राइट बंडल को बोलते हैं बंडल ऑफ हिज, क्या बोलते हैं, ये एक बंडल ऑफ हिज है, ये एक बंडल ऑफ हिज है, बंडल ऑफ हिज बाद में छोटी छोटी फाइबर्स में डिवाइड हो जाता है, किस में डिवाइड हो जाता है, फाइबर्स में, और ये जो फाइबर्स हैं ये पूरा का पूरा वेंट्रिकल पे बिछे हुए होते हैं फाइबर्स, इन्हें बोलते हैं परकिनजी फाइबर्स, इन्हें क्या बोलते हैं, परकिनजी फाइबर्स। तो ये क्या है, ये मैसेज को प्रोड्यूस करना, हार्ट बीट को शुरू करना, हार्ट बीट को पूरे हार्ट तक पहुंचाना, हार्ट के मैसेज को हर जगह पहुंचाना कि अब इसने काम करना है, फिर इसने काम करना है, फिर इसने काम करना है, तभी हार्ट कोऑर्डिनेट करेगा। हार्ट कैसे फंक्शन करता है, आर्ट्रियम पहले कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर ये रिलैक्स होगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर ये सब कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, नोडल मस्कुलेचर, कौन कर रहा है, नोडल मस्कुलेचर। और इसके पार्ट्स क्या हैं, SAN, AVN, बंडल ऑफ हिज, परकिनजी फाइबर्स, चार पार्ट्स, समझ आया ये, ठीक है। तो
पेसमेकर से हमारा हार्ट बीट, हार्ट को मैसेज कौन देता है कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होना है? जैसे ये उंगलियाँ, इस ये मेरी मसल्स को मैसेज में कौन दे रहा है? ब्रेन. ये मसल है, इसको कौन मैसेज दे रहा है? ब्रेन. सारे मसल्स को ब्रेन मैसेज देते हैं, पर हार्ट की मसल को कौन मैसेज देता है? ब्रेन नहीं देता, साइनो आर्टेरियल नोड देता है. ये पूरा नोडल मस्कुलेचर हार्ट को मैसेज देता है. हाँ, इसका अलग काइंड ऑफ टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है. ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? नेक्स्ट हो गया सारे? तो कितनी बीट्स SAN जनरेट कर सकता है? SAN कैन जनरेट 70-75 बीट्स पर मिनट, जिसे हम पल्स बोलते हैं. हार्ट रेट मॉनिटर जो करता है, हार्ट रेट जो स्मार्ट वॉचेज हर चीज़ों में होता है वो बताता है. 70-72 टाइम्स बीट करता है हार्ट पर मिनट, पर मिनट. ठीक है, तो अगर हम बात करें, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, ये तो हमने बताई दिया, पेसमेकर बोलते हैं. अब नेक्स्ट पार्ट इज कार्डियक साइकिल. ठीक है, कार्डियक साइकिल को रीड करो अगर कुछ समझ आता तो. दो मिनट लो, फिर 6 बजे क्लास है ना. अच्छा, हाँ, क्वेश्चन इज फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हो? फर्स्ट पॉइंट इज ऑल फोर चैम्बर्स, फर्स्ट पॉइंट आर इन कार्डियक साइकिल का फर्स्ट पॉइंट, ऑल फोर चैम्बर्स आर इन रिलैक्स स्टेट, दैट इज जॉइंट डायस्टोल. तो हेडिंग क्या है इसकी? जॉइंट डायस्टोल. फर्स्ट हेडिंग बनाओ, जॉइंट डायस्टोल. तो इसके कुछ स्टेजेस है, पहले मार्क कर देता हूँ फिर समझा दूंगा. ठीक है, तो फर्स्ट इज जॉइंट डायस्टोल. जॉइंट डायस्टोल के अंदर ये पॉइंट आएगा. ठीक है, तुम मार्क कर लो, घर पे आंसर लिखोगे. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, एज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स आर ओपन, ब्लड फ्रॉम द वेन फ्लोज. अच्छा, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड हेडिंग तो जॉइंट डायस्टोल होगी, और इसके अंदर ये सब पॉइंट्स होंगे. पहला, फॉर ऑल फोर चैम्बर्स आर इन रिलैक्स स्टेट, तो ये ए पार्ट हो गया इस फर्स्ट हेडिंग का. ये बी पार्ट हो गया, ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होते हैं और ब्लड फ्लोज इन टू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल थ्रू लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रिया. ये हो गया सी पॉइंट. तो जॉइंट डायस्टोल फर्स्ट का 3 ए बी सी पॉइंट्स हो गए. ये वाली बात क्लियर है? वो लिख ले सकते हो, उसको भी दिक्कत नहीं. अगर तुम्हें ज़्यादा बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हो. ठीक है, अच्छा, हाँ, हाँ, दोनों तरीके का, अभी ये समझाऊंगा डिटेल में. ठीक है, सेकेंड इज आर्ट्रियल सिस्टोल. सेकेंड स्टेज क्या है? आर्ट्रियल सिस्टोल. आर्ट्रियल सिस्टोल में फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट इज सेमिलूनर वॉल्स क्लोज एट दिस स्टेज. ठीक है, अच्छा, नहीं ये नहीं आएगा, ये इसी में आना चाहिए था ऊपर वाले में. SAN जनरेट्स, हाँ, यहाँ पे इसका फर्स्ट पॉइंट आएगा. SAN जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड आर्ट्रियल सिस्टोल. आर्ट्रियल सिस्टोल के बाद नेक्स्ट इज, थर्ड पॉइंट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल. थर्ड है वेंट्रिकुलर सिस्टोल. तो इसमें सिर्फ सेकंड में एक ही पॉइंट है, पूरा एक ही लाइन है. ठीक है, और ये वाला पॉइंट डी पार्ट उसमें चला जाएगा. सेमिलूनर वॉल्स आर क्लोज, ये किस में जाएगा? फर्स्ट के डी पार्ट में चला जाएगा. ठीक है, अच्छा, उसके बाद, हाँ, वन, अभी वन का ए बी सी डी, ये डी में चला गया. अच्छा, और ये सेकंड पार्ट बनाया हमने कार्डिक साइकिल में. अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट, थर्ड इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल और आर्ट्रियल डायस्टोल, दोनों एक साथ होते हैं. ठीक है, हाँ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड आर्ट्रियल डायस्टोल, ये दोनों स्लैश डल के एक ही पॉइंट है. तो थर्ड हेडिंग का नाम है वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्लैश आर्ट्रियल डायस्टोल. ठीक है, इसका मतलब क्या है अभी समझाऊंगा. तो पॉइंट इज दिस, इसके अंदर इसका ये पॉइंट होगा हमारा, एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड एंड टू द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, दिस कॉजेज इट टू कॉन्ट्रैक्ट कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ठीक है, ये इसका हो गया ए पॉइंट. ठीक है, और इसका बी पॉइंट, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड अटेम्प्ट एंड ब्लैक फ्लो एरिया इन टू द आर्टरी. तो ये हो गया इसका बी पार्ट. ठीक है, ये हो गए, कंप्लीट हो गया. इसके बाद लास्ट पॉइंट है
1, 2, 3 पहला था ज्वाइंट आया, सेकेंड इज आर्ट्रियल सिस्टम, वेंट्रिकुलर सिस्टम, थर्ड पॉइंट की है वेंट्रिकुलर सिस्टोल और आर्ट्रियल डायस्टोल स्लैश में. ठीक है, नेक्स्ट स्टेज, स्टेज नंबर फोर्थ. हाँ बोलो. थर्ड का पूरा आंसर मैं लिखवाऊँ क्या, या हो जाएगा ऐसे लिख लोगे बाद में मार्क करो. कौन सा थर्ड का? थर्ड का फर्स्ट पॉइंट एक्शन पोटेंशियल से लेकर यहाँ तक ए पार्ट, और थर्ड का बी पार्ट है वेंट्रिकुलर सिस्टोल से आर्टेरिया तक. ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट. ठीक है, सेमिलुलर वॉल्स, एज वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस सेमिलुलर वॉल्स आर ओपन, फोर्स्ड ओपन, एंड दिस वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, नोन एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल. अच्छा, ये वाला पॉइंट इसमें जाएगा, थर्ड के सी में. वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस वाला पॉइंट जाएगा सारा किसमें? सी वाले में, थर्ड का सी. ठीक है, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट की हेडिंग है वेंट्रिकुलर डायस्टोल. वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, वेंट्रिकल प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स. एज वेंट्रिकल प्रेशर डिक्लाइंस फर्दर ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, ये सब लिखने की इतना डिटेल में नहीं कितनी. वेंट्रिकुलर फॉल्स क्लोजर ऑफ वॉल्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ये तो हमें पता ही है. ये प्रिवेंट्स क्लोजर ऑफ, फॉर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्स, यहाँ तक ठीक है. एंड फिर क्या लिखोगे? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स आर पुश्ड ओपन, ठीक है. ब्लड नाउ मूव्स फ्रीली इन टू द वेंट्रिकल्स. ये हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ए पॉइंट, ये इसका बी पॉइंट और सी पॉइंट. ए पॉइंट है क्लोजर ऑफ वेंट्रिकल्स रिलैक्स एंड वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल्स, सेमिलुनर वॉल्स. ये ए पॉइंट है. बी पॉइंट है हमारा ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स आर पुश्ड ओपन. एंड थर्ड इज ब्लड नाउ मूव फ्रीली इन टू द वेंट्रिकल्स. ये कौन से? फोर्थ का थर्ड पॉइंट. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, फाइनली लास्ट लाइन ये लिखोगे. वेंट्रिकल्स फाइनल लास्ट लाइन है ये, कंक्लूडिंग लाइन. वेंट्रिकल्स आर नाउ एंड आर्टेरिया आर नाउ इन रिलैक्स स्टेट अगेन एंड इज नोन एज जॉइंट डायस्टोल. वापस से हम किस पे आ गए? फर्स्ट स्टेज पे, दैट इज जॉइंट डायस्टोल. ठीक है, तो ये चार स्टेजेस आए. अब ये चार स्टेजेस को समझना है. तुमने मार्क कर लिया? ये कंक्लूडिंग लाइन है, ये लास्ट वाली लाइन क्या है? कंक्लूडिंग लाइन. तो ऑब्वियसली ये बहुत डिफिकल्ट है याद करना, समझना इजी है, समझ लोगे तो काम हो जाएगा. फर्स्ट पार्ट करते हैं, जॉइंट डायस्टोल. अच्छा, ऐसे क्या समझ आएगा? मार्क कर लिया सही से? अब समझे? ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट कार्डियक साइकिल, जिसके अंदर वो हो, मुझे ले उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए था. अब फिर से मार्क करना पड़ेगा यहाँ तक. ठीक है, स्टार्टिंग विद जॉइंट डायस्टोल.
फर्स्ट स्टेज क्या था हमारा, जॉइंट डायस्टो, ठीक है। तो हम, मैं इसको इजी करने के लिए क्या करता हूँ, जैसे हमने टेंथ में किया था, हम चार खाने बना लेते हैं, ठीक है। ये फोर साइड्स हैं, ये हार्ट का एक सिंपल डायग्राम है, हार्ट की चार साइड्स हैं, ठीक है, ठीक है। पहले तुम इसकी लेबलिंग समझो, ऐसा हार्ट दिखता नहीं है पर कार्डियक साइकिल समझने के लिए ही अच्छा है, ठीक है। देखो ये है राइट आर्ट्रियम, ठीक है, और ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट आर्ट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, और राइट आर्ट्रियम से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी, और इससे निकलती है आउटा, क्या निकलती है, ठीक है। इधर राइट आर्टरी में आती है वीना केवा, है ना, और इसमें आती है, इससे जाती है इसमें आती है पल्मोनरी वेन, है ना, याद है। तो पॉइंट इज दिस, ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वीना केवा से, ठीक है। यहां पे जो वॉल्व है, इस वॉल्व को क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहां पे कौन सा वॉल्व है, यहां पे कौन सा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। आर्टरीज में भी वॉल्व है, एंड दीज वॉल्व आर सेमी ल्यूनर वॉल्व, इन्हें क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। तो यहां पे कुछ वॉल्व हैं, इन्हें बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्स, ठीक है। अच्छा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है, राइट आर्टरी से जाता कहां से, राइट वेंट्रिकल। ये लंग्स की तरफ गया, किसकी तरफ गया, लंग्स की तरफ। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आउटा से टिश्यूज की तरफ निकल जाता है। ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि कौन सी चीज कहां पे है, ये बना लो जल्दी से, नहीं ये रफ डायग्राम है जो तुम्हारे दिमाग में बनना चाहिए, ठीक है। अब इसी डायग्राम से हम कार्डियक साइकिल समझते हैं, ठीक है। कार्डियक साइकिल के स्टेजेस हैं चार, है ना, वो है फर्स्ट स्टेज क्या था, जॉइंट डायस्टोल, नेक्स्ट था आर्टेरियल सिस्टोल, सेकेंड स्टेज इज थर्ड स्टेज इज और फोर्थ क्या आया था, फोर्थ क्या मार्क किया था हमने, ठीक है। तो चार डायग्राम हमने रफ में बना लिया, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं बड़ा नहीं होता, ये तो मैं ऐसे ही बना दिया, मतलब वो कुछ बड़ा बन गया कुछ छोटा बन गया, ठीक है। तो चार स्टेजेस हमें समझनी है, तुम साफ साफ बनाना, मैंने तो कॉकरोच जैसा रहा है, बीटल लग रहा है। अच्छा देखें, तो फर्स्ट स्टेज चार बना लिए तुमने, चार बना लो जल्दी से सर्कल, चलो पहले समझ लो फिर बना लेना, एंड में बनाना है तो। तो सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, सबसे पहले ये समझो, डायस्टोल माने रिलैक्सेशन, डायस्टोल माने रिलैक्सेशन। कोई चीज़ रिलैक्स होती है उसका वॉल्यूम बढ़ता है, ये पता है ना, कोई चीज़ रिलैक्स हो रही है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है,
ठीक है, वॉल्यूम कम होने पे प्रेशर बढ़ता है, अगर किसी चीज़ की वॉल्यूम कम हो जाए, बलून की वॉल्यूम कम करो तो उसके अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये वाली बात भी क्लियर है सबको। ठीक है, डायस्टोल माने रिलैक्सेशन, इसको मैं माइनस बना देता हूँ, रिलैक्सेशन माने वो माइनस है, अभी पॉजिटिव। और कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, सिस्टोल, सिस्टोल विल बी कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन को मैं बना देता हूँ पॉजिटिव मान लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, रिलैक्सेशन माइनस बनाऊंगा और प्लस माने कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, पहले सारे के सारे रिलैक्स हैं, सारे के सारे क्या हैं, रिलैक्स यानी सबकी वॉल्यूम मैक्सिमम। ठीक है, ये है जॉइंट डायस्टोल, ये क्या है, जॉइंट डायस्टोल में सबकी वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो ये इतनी ज्यादा प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम। ठीक है, तो P इज इन्वर्सली रिलेटेड टू V, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम, तो अंदर प्रेशर कम है, हर चीज़ है ना दिमाग। अच्छा, तो अब इस पॉइंट पर इस जॉइंट डायस्टोल के वक्त ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स आर ओपन, तो ये है ओपन और ये भी है ओपन, ये दोनों क्या है, ओपन, ब्राइकस्पिड ट्राइकस्पिड ओपन। तो ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंड वेना केवा फ्लोज इन, पल्मोनरी वेन से ब्लड आता है, वो कह रहा है पल्मोनरी वेना केवा से ब्लड आता है, और किससे ब्लड आता है, पल्मोनरी वेन से, क्योंकि अंदर प्रेशर लो है, अंदर खाली जगह है, तो ब्लड दोनों जगह से अंदर घुस जाता है। तो ये पॉइंट कह रहा है ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंड वेना केवा फ्लोज इन टू द लेफ्ट एंड द राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली थ्रू लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रिया, मतलब सीधा ब्लड कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल्स तक, क्योंकि वो तो ओपन है, तो वेंट्रिकल तक पहुँच रहा है ब्लड, यहाँ पे भी ब्लड कहाँ पहुँच रहा है, वेंट्रिकल तक, तो सीधा ब्लड पहुँच रहा है वेंट्रिकल्स तक, क्लियर है यहाँ तक। हाँ, सेकेंड पॉइंट, जॉइंट डायस्टोल हो गया सेकेंड। अच्छा, सेमी ल्यूनर वॉल्स आर क्लोज, अभी क्या ब्लड को बाहर जाने देना है, अभी नहीं जाने देना, नहीं जाने देना, अभी ब्लड को नहीं जाने देना, तो ये क्या है क्लोज और ये भी क्या है क्लोज, क्यों, क्योंकि पहले हमें इस पे प्रेशर बनाना है, क्या बनाना है, प्रेशर, जो प्रेशर बनेगा तो प्रेशर से पुश करेंगे उसको, तो अभी हमने नीचे के दरवाजे बंद रखे हैं, ऊपर के दरवाजे खुले रखे हैं, सारा का सारा भर लेते हैं अंदर, फिर अचानक से उसे कॉम्प्रेस करेंगे, समझ में आ रही है बात, यहाँ पे सारा ब्लड भर जाएगा, फिर वो पुश करेंगे तो ही तो प्रेशर लगेगा, अगर मैं यहाँ से भी खोल दूँ, यहाँ से भी खोल दूँ, क्या ब्लड प्रेशर बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, समझ में आई बात। तो जॉइंट डायस्टोल ये चार पॉइंट्स सारे रिलैक्स हैं, ब्लड आता है इधर से वेना केवा, और ये तुम्हें पहले वाले डायग्राम से क्लियर होगा, है ना, और एंटर हो जाता है सीधा वेंट्रिकल्स में थ्रू आर्ट्रियम। नेक्स्ट, अब कभी टूथपेस्ट खत्म हो गई हो और टूथपेस्ट निकाली हो तुमने, तो कैसे निकालते हो, या केचप के पाउच में से केचप निकाली हो, तो केचप ब्लड की तरह है और ये हार्ट तुम्हारे उस पाउच की तरह है, तो तुम चाह रहे हो कि सारा का सारा ब्लड इधर आ जाए, तो तुम ऊपर वाले रीजन को क्या करोगे, पिचकाओगे, स्क्वीज करोगे, जैसे तुम टूथपेस्ट को करते हो, जब टूथपेस्ट ख़त्म होती है तो हार्ट भी ये करेगा, कौन से रीजन को कॉम्प्रेस करे कि सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल में आ जाए, एट्रियम को, एट्रियम को क्या करेगा कॉम्प्रेस, क्या करेगा, तो एट्रियम किस में आ जाएंगे, सिस्टोल में, किस में आ जाएंगे, आर्ट्रियल सिस्टोल, आर्ट्रियम आ गए कॉन्ट्रैक्शन में, किस में आ गए, इससे क्या हुआ, इससे हुआ क्या, ये एक्चुअल में ऐसा दिखेगा कुछ, पॉइंट इज दिस, ये जो है ये कॉम्प्रेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉम्प्रेस, तो ये वाला रीजन जो है सारा का सारा कॉम्प्रेस हो जाएगा, ये सारा कॉम्प्रेस हो जाएगा, सारा का सारा ब्लड कहाँ पे रश करेगा, सारा ब्लड निकल जाएगा वेंट्रिकल्स में, जो भी ऊपर था, जो भी थोड़ी बहुत कैचअप बची थी वो बाहर आ रही है, तो यहाँ सारा ब्लड, यहाँ से सारा ब्लड एंटर कर गया, ठीक है ना, तो ये दोनों क्या हो गए, ये हाँ प्लस प्लस ये हो गए, ये भी प्लस और ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो आर्ट्रियल सिस्टोल, समझ आया, आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि ये बंद हो जाए या खुले रहे, नहीं ये वाले तो बंद हो जाएंगे ना, ओपन थे है ना, उसके बाद ये बंद हो जाएंगे, उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, बंद, जब कॉन्ट्रैक्शन हो, कहाँ लिखा है, यहीं पे कहीं पे लिखा है,
वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस द वेंट्रिकुलर हाँ वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे आते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल आर्ट्रियल। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अभी ये रिलैक्स है और ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टेड है, ये क्या है रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्ट्रैक्टेड रिलैक्स रिलैक्स, ये था कौन सा स्टेज आर्ट्रियल का सिस्टोल, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टेज पे क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट कहाँ से शुरुआत कराया था मैंने, अच्छा एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू बंडल ऑफ हिज, और मतलब यहाँ पे सारा कुछ कौन करा रहा है, नोडल मस्कुलेचर। तो सबसे पहला सिग्नल कहाँ से शुरू हुआ था, साइनो आर्ट्रियल नोड से, इसीलिए सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन किसका हुआ था, आर्ट्रियम का, फिर आर्ट्रियम से फिर कॉन्ट्रैक्शन आगे किसका होना है, वेंट्रिकल का। तो जब जब वो नर्व इम्पल्स शुरू हुआ था पेसमेकर से, नीचे पहुंचा बंडल ऑफ हिज से, तो पहले ऊपर कॉन्ट्रैक्शन हुई, अब कहाँ नीचे कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो कह रहे जैसे नर्व इम्पल्स चल रही है, जैसे वो नोडल टिश्यू में मैसेज चल रहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज, वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्शन वहाँ वहाँ पे होता जा रहा है। तो इस पॉइंट पर हमें बोला जा रहा है वेंट्रिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वेंट्रिकुलर मसल क्या हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया, ठीक है, और इसी समय ये और ये रिलैक्स हो जाते हैं, तो दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, ठीक है। आर्ट्रियल डायस्टोल पे आ जाता है, आर्ट्रियल किस पे आ जाता है, डायस्टोल, और अभी ये ओपन थे, इसमें ये ओपन थे, ये दोनों क्या थे, ओपन ओपन ओपन, ये दोनों क्लोज और क्लोज, ठीक है, सेमिलूनर अभी क्लोज थे। अब क्या हुआ, यहाँ पे रिलैक्सेशन हो गई और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर हमने इस दरवाजों को बंद नहीं किया तो ब्लड वापस चला जाएगा, जो हम नहीं चाहते, यहाँ अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है और यहाँ पे रिलैक्सेशन, तो इसलिए ये दरवाज़ा क्या कर देने हैं, बंद, और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड प्रेशर की वजह से, वेंट्रिकल के प्रेशर की वजह से बंद हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। अच्छा अब बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे बन चुका है, इस पॉइंट पे सेमिलूनर वॉल्व को खोलने की बारी है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे सेमिलूनर वॉल्व्स आर ओपन, और ये किस पॉइंट में लिखवाया था मैंने, इसी में लिखवाया था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये दोनों एक ही चीज है, आर्ट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। अच्छा इसकी वजह से ये दोनों ओपन हो गए, ये क्या हो गया, ये भी ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया, ये दोनों ओपन हो गए, तो ब्लड चलना शुरू हो गया, ठीक है, ब्लड कहाँ से शुरू हो गया, इधर से ब्लड नीचे चला गया और इधर से ब्लड दोनों नीचे चले गए, कॉन्ट्रैक्शन है, सारा ब्लड अब यहाँ से इस पार्ट को पिचका रहे हैं, ऊपर ब्लड जा नहीं सकता क्योंकि ऊपर वॉल्व बंद है और नीचे के वॉल्व खुल चुके हैं, तो वो अब कहाँ जाएगा, इनटू द बॉडी, है ना। अब इस पॉइंट के बाद ये भी रिलैक्स, ये भी रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट सब रिलैक्स, तो ये डिस्टोल ये भी डायस्टोल, ये आ जाएगा फिर फाइनल जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है और ये तो ऑलरेडी रिलैक्स थे, तो वापस से स्टेज कौन सी आ जाती है, हाँ जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। ये डायग्राम्स बनाएं, बना लो जल्दी से रफ में, आ रो ये पेपर में मत बना क्या, ये पेपर में मत बनाना, ये डायग्राम ये समझते ही है। तो ये शॉर्ट नोट करके आएंगे इस पर।